नोटबंदी को देश विशेषकर व्यापारी समाज को तबाह और बर्बाद करने वाले भाजपा का तुगलकी फैसला बताते हुए आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा से जुड़े व्यापारियों ने नोटबंदी की 5वीं बरसी पे काला दिवस मनाते हुए बर्रा बाजार में पदयात्रा निकाली। हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता, जितेंद्र जायसवाल, मनोज चौरसिया व कार्यक्रम संयोजक प्रदीप तिवारी ने कहा कि आज के दिन 5 साल पहले 500 और 1000 के नोट जो चलन में थे उनको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलन से बाहर करने का फरमान रात को 8 बजे दिया गया था। अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि इस तरह गैर जिम्मेदाराना और तुगलकी फैसले से छोटे मध्यम व बड़े वह हर वर्ग के व्यापारी बर्बाद हुए। RBI के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के दौरान 15,41,000 करोड़ के नोट चलन में थे, जिसमें 15,31,00,000 करोड़ के नोट वापस आ गए, मतलब कि 99.3% वापस आ गए। और उस वक्त ही देश की GDP में 2% की गिरावट आई, मतलब 3,50,000 करोड़ का भारत सरकार को नुकसान हुआ, लाखों नौकरियों में कटौती हुई। अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, जिससे बड़ी संख्या में मजदूर और छोटे व्यापारी बेरोजगार हुए। कितने लोग ATM की लाइन में अधिक समय तक खड़े रहने के कारण मर गए, कितने मरीजों ने अस्पताल में समय से दवा न मिलने पर दम तोड़ दिया, कितनी बहनों की शादियां टूट गई, किसान की खेती पर बुरा असर पड़ा। नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सिर्फ मुझे 50 दिनों का समय दे, काला धन, भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा, आतंकवाद सब खत्म हो जाएगा और कैशलेस समाज का निर्माण होगा। लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, देश बर्बाद हुआ और उल्टा चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को फायदा हुआ। नोट काला सफेद नहीं होता है, आपका लेन देन काला सफेद होता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के तुगलकी फैसले की वजह जान गंवाने वाले के परिवार को मुआवजा दिया। भाजपा आज तक नोटबंदी का लाभ नहीं गिना पाई, भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी ने सप्लाई चेन को तबाह कर दिया और GST के कारण 2017 से इनपुट दामों में बढ़ोतरी दर्ज हो गई। प्रदीप तिवारी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तब उस समय भारत की GDP उच्च स्तर यानी 7 से 8% पर थी, जो अब 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान दशक के सबसे कम स्तर यानी 3.1% पर आ गई है। यह नोटबंदी व GST का ही नतीजा है। नोटबंदी की घोषणा के 5 साल बाद भी अर्थव्यवस्था में नकदी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में करीब 92 करोड़ की जाली नोट देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए। समाजवादी व्यापार सभा ने मांग रखी थी कि भाजपा बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना तरीके से लागू की गई नोटबंदी के लिए माफी मांगे। देखिए, देश को बर्बाद करने वाली, तबाह करने वाली, व्यापारियों को रुलाने वाली, किसानों को, महिलाओं को अपमानित करने वाली नोटबंदी के आज 5 साल हुए हैं और नोटबंदी के 5 साल व्यापारियों के हाल बेहाल के नारों के साथ आज समाजवादी व्यापार सभा ने कानपुर के बर्रा के सब्जी मंडी मार्केट में यहाँ पे पदयात्रा निकालकर काला दिवस मनाते हुए भाजपा वालों से पूछा है कि अब तो बता दो, 5 साल हो गए, तुमने 50 दिन में चौराहे पर आने का वादा किया था, 5 साल हो गए, तुम्हें देश को बर्बाद करके क्या मिल गया, तुम्हें देश को लाइन में खड़ा करके क्या मिल गया, तुम्हें देश में लाइन में खड़ा करके लोगों को मार के क्या मिल गया, नोटबंदी के क्या फायदे हुए, तुमने वादा किया था भ्रष्टाचार, आतंकवाद और फेक करेंसी ये सब खत्म होगा, कितना खत्म हो गया और कितना फायदा हुआ है देश को वो बता दो, वरना आज हिम्मत दिखा के देश से माफी मांगो अपने तुगलकी फैसले के लिए। उसी के विरोध में आज समाजवादी व्यापार सभा ने पदयात्रा निकाली है। मैं अभिमन्यु गुप्ता, मेरे साथ यहाँ कानपुर महानगर के अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल, प्रदेश सचिव कृपा शंकर त्रिवेदी, यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप तिवारी जी, मनोज चौरसिया जी, कानपुर मंडल अध्यक्ष हरप्रीत भाटिया लवली जी और तमाम हमारे सम्मानित विजेंद्र यादव जी, तमाम हमारे सब साथियों ने यह पदयात्रा निकालकर भाजपा के कानों तक आवाज पहुंचाने का काम किया और पूछने का काम किया है कि बताओ नोटबंदी का क्या फायदा मिला, तुम्हें क्या मिल गया देश को बर्बाद करके नोटबंदी के नाम।